हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच जोहान्सबर्ग में खेला जा रहा तीसरा टेस्ट मैच विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। इस मैच के तीसरे दिन अंपायरों ने दिन का खेल खत्म होने से पहले ही रोक दिया। दरअसल दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह 9वां ओवर लेकर आते हैं और इस ओवर की तीसरी बॉल डीन एल्गर के हेलमेट में जा लगती है। बॉल लगने के कारण वह घायल हो गए और अंपायरों ने मैच को वहीं रोक दिया। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह मैच चौथे दिन खेला जाएगा या नहीं, लेकिन जोहान्सबर्ग की इस पिच को लेकर सवाल उठने लगे हैं। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज कप्तान सौरव गांगुली ने तो इस मैच को पहले ही दिन इस पिच पर सवाल उठाए थे और आईसीसी से ऐसी पिचों पर प्रतिबंध लगाने तक की मांग कर दी थी। मैच तीसरे दिन आते आते पिच पर असामान्य उछाल और भी ज्यादा दिखाई देने लगा। इस पिच पर खेलते हुए दोनों टीमों के बल्लेबाज कई बार चोटिल हुए। कमेंट्री के दौरान माइकल होल्डिंग ने तो इस पिच को 100 में से 2 नंबर देने की बात तक कह दी। वेस्ट इंडीज के इस पूर्व तेज गेंदबाज ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें लगता है कि कुछ बल्लेबाजों को इससे गंभीर रूप से चोट लग सकती थी, क्योंकि हर किसी के पास कोहली जैसी तकनीक और बड़ा दिल नहीं होता। होल्डिंग ने कहा, मैं समझता हूं कि विराट कोहली खेलना चाहते हैं, लेकिन हर कोई गेंदों से इस तरह नहीं निपट सकता जैसे वे निपटते हैं।